अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर कॉमर्स बिजनेस मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स के हवाले से है, जिसके अंदर हम आज एक्सरसाइज नंबर 4.69 से लेके 4.80 तक कवर करेंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर बेसिकली हम कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं लेके चल रहे। ये एक्सरसाइज आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट दिलाने के लिए कि हमारे पास वाई इंटरसेप्ट होता क्या है और स्लोप क्या होता है। ठीक है, तो हमने इक्वेशंस के अंदर से किस तरीके से हम वाई इंटरसेप्ट को और स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं, सिर्फ इसके ऊपर ये एक्सरसाइज है आज का लेक्चर है। ठीक है, तो चलते हैं पिक्चर की तरफ। हम फाइंड करेंगे स्लोप और वाई इंटरसेप्ट को जब हमें कोई इक्वेशन गिवन है। ठीक है, पॉइंट आउट करना है। ओके, हमने यहाँ पे लिया है 4.69 वाई इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5। ये हमें सवाल किया हुआ था, हमें पता है इक्वेशन क्या होती है वाई इज इक्वल्स टू mx प्लस c। इसका स्लोप जो है वो m के इक्विवेलेंट होता है, वाई इंटरसेप्ट c के यानी कि x के साथ जो वैल्यू आएगी वो हमारा स्लोप होगा और जो यहाँ पे सेपरेटली कॉन्स्टेंट एक वैल्यू आएगी वो हमारा y इंटरसेप्ट होगा। हमने यहाँ पे दोबारा से इक्वेशन लिख ली है और ये जो इक्वेशन हमें गिवन थी ये हमने इसके साथ में रख ली। अब अगर आप इसको देखें तो x के साथ जो वैल्यू गिवन है वो है 3 और m जो है वो इक्विवेलेंट होता है स्लोप के, यानी कि स्लोप इज इक्वल्स टू m इज इक्वल्स टू 3 हो गया। इसके बाद c की जो है वैल्यू, कॉन्स्टेंट जो वैल्यू थी वो थी यहाँ पे हमारे पास 5 और c इक्विवेलेंट होता है y इंटरसेप्ट के। यहाँ पे y इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है, सबसे ये काम करना है। नेक्स्ट हमने लिया यहाँ पे 4.71 y इज इक्वल्स टू 2.3x प्लस 4.3। दोबारा से वही सब काम किया हमने, यहाँ पे सब चीज़ें लिख ली, ये क्वेश्चन दोबारा उतार लिया हमने और mx यानी कि 2.3x प्लस 4.3 ये पूरी टर्म जो है ये हमारा कहलाएगा स्लोप, क्योंकि ये m की इक्विवेलेंट है और ये पूरी टर्म हमारी कहलाएगी y इंटरसेप्ट यानी कि c के इक्विवेलेंट। तो आंसर हमारे पास आ गया 2.3 और y इंटरसेप्ट c इज इक्वल्स टू 4.3। इस तरह के सवालात, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो पेपर पैटर्न है वो 50% जो है वो MCQs के ऊपर चला गया है। ठीक है, तो ये इस तरह के सवालात जो है हमारे सॉल्व करने के लिए नहीं आएंगे, फिर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये सवालात जो है हम MCQs के अंदर हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा गौर से देखते हुए चले। इसके अंदर कहा जा रहा है 3x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 5y। ठीक है, इसको हमने सबसे पहले इक्वेशन को अरेंज करना होगा। हमने यहाँ पे वही डेटा सब कुछ बना लिया, इसके बाद हमने इसको अरेंज करना है। तो हमने पहले इक्वेशन को एज इट इज़ लिखा, इसके बाद हम यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास y जो है इक्वल्स टू एक साइड पे होता है और बाकी तमाम वैल्यूज हमारी इक्वल्स टू की दूसरी साइड पर होती हैं, तो हमने 5y को शिफ्ट कर देना है इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे ताकि ये प्लस का 5y हो जाए और इस 3x को हमने शिफ्ट कर दिया इक्वल्स टू की राइट हैंड पे ताकि ये माइनस का 3x हो जाए। ठीक है, तो हम इस 5y को पॉजिटिव करेंगे, इस तरफ ले आएंगे और 3x को हम इक्वल्स टू के राइट हैंड पे शिफ्ट कर देंगे तो ये माइनस का 3x हो जाएगा। साथ में इसके लिखा हुआ था 10 प्लस 10 एज इट इज़ लिख लिया हमने। अब ये y के साथ यहाँ पे 5v मौजूद है तो हमने इसको 5 को हटाना है, तो 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाएगा तो इस पूरी टर्म से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सेपरेटली इसको लिख दिया है माइनस 3x अपॉन 5 प्लस 10 अपॉन 5। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास इसमें तो कैंसिलेशन हो जाएगी, 5 1s 5 एंड 5 2s 10, जबकि इधर हमारे पास कोई कैंसिलेशन नहीं हो रही। इसका मतलब x के साथ जो चीज़ मौजूद होती है वो m होती है और m होता है स्लोप के इक्विवेलेंट, तो माइनस 3/5 हमारा स्लोप आ गया और y इंटरसेप्ट जो है वो c के इक्विवेलेंट होता है और स्लोप हमारा 2 आ गया। इसके बाद हमने लिया है 4.78 5x माइनस 4y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। सारा काम वैसे ही किया हमने, इस इक्वेशन को हमने अरेंज करके लिखना है। 5x माइनस 4y माइनस 8 इक्वल्स टू 0 था, हमने y को सेपरेट करना है और 5x और माइनस 8 को एक साथ रखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास माइनस की टर्म आ रही थी, इसको हमने इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया तो यहाँ पे आके ये हो जाएगा प्लस का 4y। ठीक है, तो 5x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 4y। अब इस 4 को हमने यहाँ से सेपरेट करना था, अलग करना था y से, तो 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल्स टू की दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 5x के साथ भी 4 आ गया और 8 के साथ भी अपॉन में 4 आ गया। यहाँ पे तो किसी किस्म की कैंसिलेशन नहीं हो रही, लेकिन हम यहाँ पे 4 1s 4 एंड 4 2s 8 कर सकते हैं। तो इस तरीके से स्लोप जो कि x वाली टर्म के साथ हम होता है उसको हम m कहते हैं, 5/4 आ गया और यहाँ पे कांस्टेंट जो है वो 2 था, लेकिन देखिए फॉर्मूले में प्लस होता है
यहाँ पे माइनस की साइन आ रही है, इसका मतलब ये माइनस की साइन जो है ये इस सी की है, यानी कि वाई इंटरसेप्ट की है, तो वाई इंटरसेप्ट जो है वो सी के इक्वल माइनस टू आ गया। इसके बाद हमने यहाँ पे 4.80 लिया है, 2y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, और सेम वैसे ही काम करेंगे इसके अंदर हम 2y प्लस एक्स इक्वल्स टू जीरो रखा, 2y को अकेला करेंगे, x को हमने इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे यानी राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया, प्लस का x था दूसरी तरफ जाके माइनस का x हो जाएगा, और ये इस तरीके से हमारे पास y को भी सेपरेट करना है हमने, तो हमने y को सेपरेट करने के लिए 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वल्स टू की दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो गया, तो हो जाएगा माइनस एक्स अपॉइंट टू, इट मीन्स स्लोप जो है वो हमारा आ गया माइनस वन अपॉइंट टू, और c की कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं आ रही, तो उसका मतलब c जो है वो जीरो। उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आया होगा, और इस एक्सरसाइज के हवाले से किसी भी किस्म का कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर हमें आप इस ईमेल एड्रेस पर भी ईमेल करके पूछ सकते हैं। बाकी मज़ीद कोई सवाल है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे onlinetutor.pk या फिर फेसबुक के पेज onlinetutor.pk पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।